नमस्कार, सुपर किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बंडे की सब्ज़ी, जो बहुत टेस्टी होती है और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है और इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, मैंने बंडा लिया है और इसका हम पीछे का पार्ट इस तरह से निकाल देंगे। अब हम प्रेशर कुकर लेते हैं, इसी में हम इसको आधा आधा करके बॉयल कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। अब इसका हम ढक्कन लगा के 2 सीटी तक हम बॉयल करेंगे। ये देखिए पक गया है। अब इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए मैंने छान लिया है, ये ठंडा भी हो गया है। अब इसको हम छील लेते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से छिल जा रहा है और बहुत अच्छे से पक भी गया है। अब पूरी तरह से हम अच्छे से छील के फिर इसको हम काटेंगे। ये देखिए अब इसको आधा कर लेंगे। अब इसके बड़े बड़े टुकड़े हम करेंगे, छोटे नहीं करना है, बड़े बड़े ही करना है। इस तरह से हम सबको काट लेंगे। ये देखिए कट गया है। अब हम मसाले बता देते हैं। ये देखिए मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 8-10 लहसुन है और ये दालचीनी है और काली मिर्च है, 10 काली मिर्च है और 2 लाल मिर्च है। अब इसको मैंने पीस लिया है। ये देखिए अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। इसी में हम बंडे को फ्राई करेंगे। फ्राई करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमको 5-7 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे इस तरह से। मीडियम फ्लेम में हमको फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। बहुत अच्छा टेस्टी सब्ज़ी बनती है, इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम तेल डालेंगे फिर से। ये देखिए कढ़ाई बहुत गर्म है, इसलिए तेल फटाफट से गर्म हो गया है। अब इसी में हम बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसको कलर चेंज होने तक तलेंगे। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। इसी में हम मसाले डाल देंगे जो मैंने पीसे थे। अब इसको 7-8 मिनट तक इसी तरह भूनते रहेंगे। अब इसी में 1 चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे। ये बहुत कम मसाले से हम सब्ज़ी बना रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह हम भूनते रहेंगे। अब इसी में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। ये देखिए चिपकने लगा है। अब इसी में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसे 2 मिनट के लिए और भून देंगे। ये देखिए बिल्कुल भून गया है, चिपक भी अच्छे से रहा है। ऐसे में हम पानी डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा पानी और डाल देंगे क्योंकि अभी हमको ग्रेवी पकाना है, पकते पकते गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा और पानी डाल देते हैं। अब इसी में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 10 मिनट हो गया, हम चेक कर लेते हैं। अब इसी में हम बंडे को डाल देंगे क्योंकि बंडा तो हमारा बॉयल हुआ है और इसको हम थोड़ा सा ग्रेवी में और पकाएंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए अच्छे से मिला के थोड़ा सा हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि सारा अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए बिल्कुल अच्छा ग्रेवी हमारा बन गया है।
अब इसको हम निकाल लेते हैं। हमारी सब्जी फटाफट से बन गई है और आप कोई भी पराठा या पूरी के साथ खा सकती हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।